आठ शहर से चुन के अली 32 भौजी हर हफ्ता चार गो दिखाई है अपना हुनर के जलवा। एमे से जे होई सबसे नीक उ बनी भौजी ऑफ द वीक और फिर जे होई बेस्ट उहे पहनी ताज और बनी भौजी नंबर 1 सीजन 7। मलिका आलिया जीती रहो, बहुत आला, बहुत ऊंचे दर्जे का तुमने आज नृत्य हमारे सामने पेश किया। हमारी नियत खराब हो गई थी। मलिका आलिया अब आप बहुत थक गई होंगी, जाएं अपनी राजगद्दी पे। मैं इनामात भी आपको दूंगा, चंद असरफिया मैं आपको अपने खजाने से निकाल कर देने वाला हूँ। शुक्रिया मेरे दिल अजीज दिलो सुभानी। हम बादशाह सलामत प्रियेश आजम महुआ प्लस के तमाम दर्शक गण को तहे दिल से आपके चहेते प्रोग्राम भौजी नंबर 1 सीजन 7 में इस्तकबाल करते हैं। हम अपने रियाया में निकले हैं इंसाफ के लिए। हम अपने रियाया में निकले हैं कि हमारे रियाया में जो भी फनकार भौजियां हैं, जिनमें फन है जो छिपी हुई है, वो हमारे इस दहलीज पर आप सबके सामने आए, वो अपने फन का मुजाहरा करें और हम उन्हें यहीं सबके सामने इंसाफ दें जिसकी वो हकदार है। और आज प्रोग्राम के चौथे दिन हम फिर से यही करेंगे। आज हमारे बीच वो फनकार होंगी, वो भौजी होंगी जो भौजी ऑफ द वीक बनेंगी। आपकी पुरजोर तालियों में हम उनका इस्तकबाल करते हैं। पूर्वी भौजी राधा भौजी कैसी हो? बहुत अच्छे हैं। ठुमरी भौजी प्रिया भौजी बनारस से कैसी हैं? ठीक हूँ। और सोमा जी आप कैसी हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आप कैसी हैं श्वेता जी? जी सब खैरियत है जिल्लेलाही। क्या बात है, आपने एकदम से जिल्लेलाही बोल दिया, आपका मुंह मीठा हो गया होगा। आइए अब मैं आप लोगों को अपने नवरत्नों से मिलाता हूँ। बहुत सारी तालियों में भोजपुरी फिल्म के निर्देशक, हमने इन्हें नवरत्न में अपनी जगह दी है। बहुत सारी तालियां राजकुमार आर पांडे जी के लिए। अस्सलाम वालेकुम, बादशाह सलामत प्रियेश आजम। सब खैरियत है जनाब? सब खैरियत है जनाब। और आपके हम लोग रियासत में बिल्कुल फल फूल रहे हैं, देखिए एकदम पीली पीली हो गई हैं। संगीता जी भोजपुरी फिल्म की स्टार अभिनेत्री कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन आज आप बहुत ही बहुत ही बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। बगल में है मेरे चहेते मेरे अजीज, नवरत्नों में सबसे पहले मैंने इन्हें अपनी जगह दी थी। और बहुत सारी तालियां गोपाल राय जी के लिए। महाराज जी एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। जी इजाजत है। ये मलिका आलिया जी और मलिका शराफत में फर्क क्या है? कि ये मलिकाएं शराफत हैं और वो मलिकाएं शराफत। और भगवान माफ करे मैं झूठ बोल रहा था। पर जिले इलाही आप तो मेरी तारीफ कर रहे थे ना। हम बादशाह हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी हमारा मन करे हम परफॉर्मेंस शुरू कर दे, हमारा मन करे हम ब्रेक ले लें। और हमारा मन है कि अभी हम एक ब्रेक ले लें। खबरदार अगर आपने हिलने की कोशिश की तो हम टीवी के दरवाजे खोलकर आपके घरों में फौज के साथ दाखिल हो जाएंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भौजी नंबर 1 सीजन 7। भौजी नंबर 1। और अब हमनी के प्रोग्राम में उपायदान पे खड़ा हो गए बानी सन, जहां पर नृत्य कौशल के बदौलत सभी फनकार, सभी भौजियन फनकार नंबर लेवल तैयार वालो। नंबर दियाई, राउंड के नाम बता दी, राउंड बा बाजे पैजनिया। बाजे पैजनिया में आज सोलो परफॉर्मेंस हुआ, सब लोग एकल डांस करी। और दुनिया में सब अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले परफॉर्म करना है, अकेले नंबर बनाना है, अकेले ताजपोशी होगी। तैयार हैं आप लोग? हमें बेहद खुशी है कि हमारे कारीगरों ने हमारे महल के बुनियाद को मजबूती से बनाया, वरना जैसे आपने आज परफॉर्म किया है ये महल ढह सकता था।
बहुत अंदा, बहुत आला। पूछना चाहेंगे गोपाल भैया से। भौजी नंबर वन में न चलू वैसन गरदा हो गए। जय हो जय हो। सुपर के ऊपर क्या परफॉर्मेंस, और वो क्या आप कितनी हर का किया था वो राइट राइट जाना, वो तो कमाल था, मतलब अनएक्सपेक्टेड और बहुत। थैंक यू। बिल्कुल देहाती ठुमका मारा है भौजी ने, बड़ा मज़ा आ गया, पूरा स्टेज कवर किया, एक एक बिट को भी नहीं छोड़ा है, और इतना अच्छा एक्सप्रेशन दिया है कि बस हम लोग तीनों उछल रहे थे यहाँ। बड़ा मज़ा आया। बहुत। और अब दीवाने खास में वो मेहमान जो काफी बोर हो गई हैं कि कब बाजे पजनिया में मुझे मौका मिलेगा, हम बाजे पजनिया में आपको जहमत देते हैं। राधा जी बहुत बहुत तालियों के साथ हम इनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। जिले इलाही आपके मुरीद हो गए, बहुत खुश। हम जानना चाहेंगे राजकुमार भैया से। बहुत बढ़िया राधा भौजी, हमने के एकदम उम्मीद ना रहा, उसे बढ़िया कह नहीं रहा, ये लोग उम्मीद छोड़ दे ले रहे लोग। हाँ हमके लगा है कि पता नहीं कैसे करिए कैसे ना करिए, पहले ही सेगमेंट में भी पकड़ होकर के साड़ी चल रही है। हमारे को सिनेमा बा सैया के साथ मरिया में वो फिल्म का गाना बा, और मोनालिसा पर ही गाना पिक्चराइज कर गया रहे। सच में सर वो जो गाना है ना जो मोनालिसा जी के साथ, सच में वैसे ऐसे कर रहे थे, मुझे वो झलक एक रिव्यू आ गया सामने। तो इसका खातिर एकदम सटीक गाना मिला था और बहुत बढ़िया। आज तो बाजे पैजनिया सेगमेंट में सब लोग एकदम पैजनिया को बजा के रख दिया है, बहुत बढ़िया कर दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत कमाल कमाल, और उसके ऊपर बहुत कमाल। थैंक यू। इस परफॉर्मेंस पर जिले इलाही खुश होकर आपको ये सफ़ेद गोल्ड देते हैं, कबूल करें। खुश रहें, यहाँ रहें, इलाहाबाद रहें, आबाद रहें, तशरीफ करो। एक छोटा सा राउंड और है जिसे आप लोगों ने पूरा करना है, और उस राउंड के बाद एक अंक तालिका, एक रिजल्ट तैयार होगा जो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, जो ये बताएगा कि कौन भौजी ऑफ द वीक बनेगी और कौन तीन भौजी आज इस महल से रवानगी के लिए तैयार हो जाएंगे। सबके जहन में ये सवाल है, इस सवाल का जवाब मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भौजी नंबर वन सीजन 7। भौजी नंबर वन। और अब अगला राउंड जे बा गोपाल जी, अगला जे राउंड बा वो राउंड में कुछ नहीं करे बल्कि जौन चीज कर चुकल बानी वो चीज के देखे के बाद, वो राउंड है सुहाना सफर। सुहाना सफर, हर भौजन के एक एक करके अब तक के सफर, ऑडिशन से लेके यहां तक के सफर कैसन रहल। सबसे पहले श्वेता भौजी, कजरी भौजी, राव ये सफर कैसन रहल, आई गौर फरमावल जाए। पिछले बार मेरा ये सपना पूरा नहीं हो पाया, इसलिए मैं दोबारा अपने सपने को साकार करने आई हूँ। शुरुआत ऐसी है तो अंजाम क्या होगा, मुझे तो एक्साइटमेंट बढ़ गई है कि अब आगे क्या होने वाला है। ये भौजी नंबर वन है और आपका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, ऐसा लग रहा है कि बस आप अपने सजन को मिस कर रही है। मेरे धड़कनों में धड़कने वाले प्रियतम को हार्दिक नमस्कार। हार्दिक नमस्कार। पति परमेश्वराय नमो नमः। नमो नमः। आप उन पे दूध भी चढ़ाया करें। बिल्कुल चढ़ाते नहीं, पिलाते, वो पीते हैं ग्लास से। और अब सुहाना सफर चैती भौजी, सुमा भौजी के। हमको भौजी नंबर वन सीजन 7 जीत के महारानी बनना है। चाहे बिक जाए हर वो रुमाल हो
मोटर कार में बैठना है। वाह, मुझे देखना आखिर क्या है उस मोटर कार में जो इतना सुर लगा रही हैं आप। 5 दिन हो गए हैं आपके बिना और आपको मैं देखे बिना अब रह नहीं पा रही। प्लीज चले आए वरना अगले ट्रेन से मैं चली आऊंगी। मजबूर कर दिया आपने डांस करने के लिए सोमा भौजी। हाँ सर, रहुआ तो ऐसा डांस कर ली है कि जैसे गनवा रहा वैसे ही नौ से एकदम नाचत रहा, दिमाग पर चढ़ गई जान। अब बादशाह सलामत प्रिया भौजी के सुहाना सफर देखे के चाहत आ रहे हैं। भौजी नंबर वन में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मन कहता है भौजी न चलू बहुत निमन, जो मेरी सासू प्यार करेगी तीरथ धाम करा दूंगी, जो मेरी सासू लड़े लड़ाए उसको जेल करा दूंगी। कुल गर्दा गर्दा हो गई। जब हम लोगों का एक्सीडेंट हुआ था और हमारी बेटी पेट में थी तो हम लोगों को इतनी चोट लगी थी, पर आपने अपना चोट भुलाकर मेरा सिर्फ ख्याल किया और जब तक मेरी मलहम पट्टी हो नहीं गई तब तक आपने अपना टाका नहीं लगवाया। बुरा पल में से रुआ मोहब्बत के चुरेले बानी और वो पल ही आज रुआ लोग इनके ताकत बन गई हुई। और अब जिले सुहानी राधा जी की सुहाने सफर पे गौर फरमाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप भी देखना चाहती होंगी, आइए देखिए। भौजी नंबर वन में लोग मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे डांस के टीचर हैं और म्यूजिक के टीचर हैं जो मेरी म्यूजिक के टीचर जो मेरी गायकी को सुधार रहे हैं और डांस के टीचर जो मेरे डांस को सुधार रहे हैं। जिया पे लोटे का लाना तो हो कर चौड़ी गली सुन कहना बलमु। कोशिश तो यही है कि मैं अपनी माँ की बेटिया बिटिया रानी से मैं एकदम भौजी नंबर की महारानी बन के दिखाऊंगी। बहुत बढ़िया और एकदम झकास वाला, कमाल वाला, गर्दा फाड़ वाला परफॉर्मेंस था। आपको मेरे साथ घूमने चलना है आज। मैं कितने दिन से 9 साल से पूरा इंतजार मैंने किया है, आपको क्या पता। तुम्हारे सामने फोन आया, मैं क्या करूं? मुझे नहीं कुछ सुनना है, मुझे आपके साथ घूमने जाना है तो जाना है, बस मैं कुछ नहीं जानती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन्होंने लिखा है, काश कि मैं आपसे मिल पाती और जीवन का ये जो समय चल रहा है इस समय में आप मेरे साथ होते और ये फीलिंग हम आपस में शेयर कर पाते। शानदार सफर रहल बा चारों भौजियन के। ई बात तो तय बा कि निश्चित रूप से हमेशा ला ई जीवन में एगो अध्याय जुड़ गई बा, एक पाठ जुड़ गई बा, एगो काम जुड़ गई बा कि जब भी खाब में दुखी होके खुशी होके रउआ लोगिन सोचें तो कभी ना कभी जीवन में ई समय जरूर याद आई। तो ई बात के ख्याल रखते हुए समझी कि विनर तो रउआ लोगिन बढ़ले बानी, लेकिन असली जे हकदार भी भइल बाड़ी उनकर भी अनाउंसमेंट के वक्त बा, वक्त आ गइल बा। तो बस थोड़ा सा एक लम्हात गुजार के हम आ रहल बानी और रउआ लोगिन के सामने ये बात रख दे हम, जग जाहिर हो जाए कि के बनियन आज भौजी ऑफ द वीक। तो देखत रही हमनी के साथ भौजी नंबर वन सीजन 7। भौजी नंबर वन हमनी के चार भौजियों के साथ बानी सन और आज चार भौजियों के बीच में एक मुकाबला हो चुकल बा, जे जीती हुए सिकंदर, जे में सिकंदर भैली है शिखा भौजी पूर्वी भौजी। लेकिन अभी मौके पे मौका है, मौके की बात है, मौका कहनी है कि मौका से आज हम प्रोग्राम को स्टार्ट करनी है। बहुत सारा मौका अभी रवल इनके मिली, कोशिश का जो राउंड है वो है बाजे पैजनिया।
बाजे पजनिया में रुवा लोगिन के सोलो परफॉर्मेंस देखे के बाद और रुवा लोगिन के करे के बाद और रुवा लोगिन के नंबर देवे के बाद, ठीक बा? सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे चाहे हम कानू जी रुवा चॉइस करी कि किकर परफॉर्मेंस रुवा सबसे पहले देखे के चाहे पूर्वी, ठीक है? तो पूर्वी जी तैयार हो जाए, स्वागत। हो गई बा से प्यार राजा, आई लव यू कह दा, कह हाली कहले बानी रहुआ जी। हम गोपाल जी के लिए कहने वाली कि क्योंकि गोपाल जी मेरे जीजा जी के जैसे कि सकल, दोनों के सकल एक मिलेला। तो जीजा जी से ही पूछल जाओ पहले। तो कैसा लगा लगा गोपाल भाई डांस के बारीकी के बारे में कहबे कि नहीं, जब यहाँ के बैठल बन तो हमने का बतावे के बा जौना गीत पर यहाँ के नृत्य कैली हाँ। एगो भोजपुरी के गीत याद आ गया, दू लाइन सुनाओ तनी जी। के आई लव यू कह एक बार भोजपुरी में, कर रउआ से हम प्यार भोजपुरी में, बोली मटिया के बोला बोला ना अंग्रेजी, हमें डार्लिंग न कहा आज तू कहे जी, लव के लूटी जा लगार भोजपुरी में, कर रउआ से हम प्यार भोजपुरी में। जय हो। और अब बारी बाप बाजे पैजनिया में अगला कंटेस्टेंट, अगला प्रतिभागी चैती भौजी, कावेरी भौजी इंकर। तो बहुत जोरदार तालियों के साथ इंकर भी हौसला अफजाई करी, स्वागत बा। I'm
बहुत बढ़िया कजरी भौजी, नागिन वाला स्टेप तो बड़ा अच्छा लागत रहा हमारा, खासकर बहुत अच्छा लागत रहा। ये नागिन काला बना रही गोपाल भैया? अभी तक जिन्होंने डांस किया सब गोपाल सर के लिए, मगर मैंने राजकुमार सर के लिए। क्या बहुत अच्छी बात, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। जी 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 बिल्कुल, हम सब उनके फैन हैं। और वो फैन हुए हैं कि नहीं जरा ये पता कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम चलेंगे राजकुमार भैया आप ही के पास, बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, एक एक स्टेप को जैसे लोग करती हैं, गृहणियाँ हैं, घर की महिला हैं, मास्टर जी चूल्हा चौकी करने के बाद, बच्चों को संभालने के बाद ये करना, हम लोग प्रोफेशनल हमारे एक्ट्रेसेस को कितनी मेहनत करते हैं, रिहर्सल कराते हैं, एक्सप्रेशन में लगे रहते हैं, शॉट को कट करते हैं और उसके बाद उसको पिक्चराइज करते हैं। आप सब के लिए एकदम तहे तहे दिल से सैल्यूट है, सलाम है और बहुत सारा प्यार है, और मैं चाहता हूँ कि लोग जीत के जाएं। थैंक यू। संगीता जी, कजरी भौजी आपका फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, आपने जिस तरह से पूरा स्टेज यूज किया है उसके लिए तालियां। थैंक यू। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ में और अच्छा परफॉर्मेंस करते जाइए, ये हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। चारों भौजाइयन के परफॉर्मेंस के बाद बाजे पैजनिया राउंड समाप्त हो गई बा, नंबर रउआ लोग इनके जो मिलल बा वहाँ दर्ज हो गई बा। और अब जो अगला राउंड बा, राउंड में बहुत ही एक मजेदार गेम भी बा, नंबर भी बा, का मजा बा बता रहा बानी। राउंड के नाम बा के कितना पानी में, के कितना पानी में सवाल जवाब बा, जे लोग के देवे के बाद उत्तर देवे के बाद नंबर बनावे के बा। लेकिन थोड़ा सा प्रावधान बदल देवल गई बा, थोड़ा सा स्थिति परिस्थिति के देखते हुए, चूंकि नया सीजन बा, नई बात होके चाहिए, तो यहाँ बॉल्स में अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस रखल गई बा। और चार कैटेगरी में से एक कार्ड निकाले के बा, और वो कार्ड में जो कैटेगरी हुई उस कैटेगरी के क्वेश्चन बाउल में से इनका खुद निकाले के बा, प्रश्न हम पूछें, जवाब सही हुई नंबर जज लोग दे दी। तो सबसे पहले हम बुलावे के चाहें पूर्वी भौजी शिखा भौजी के, चार को जोन हमने के रखले बानी सन अलग अलग विभाग, ओमे बाटे पॉलिटिक्स, राजनीति, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट में बहुत कुछ बॉलीवुड भोजपुरी के सब चीज आ सका था, होम साइंस बा और एक बाटे स्पोर्ट्स जी, ठीक बा, खेल से संबंधित। तो रुआ कार्ड में से एगो कार्ड सेलेक्ट करके बा, देखी का लिखल बा, पॉलिटिक्स लिखल बा। ये बॉल में से एगो क्वेश्चन निकाली, क्वेश्चन निकाले में भी दिमाग लगली है, जवाब दे कता नहीं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु का क्या निर्धारण किया गया है, 18 साल, 25 साल, 21 साल, 35 साल। समय राहुल 30 सेकंड के शुरू हो रहा बा अब, क्या न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है? 25 साल पक्का? हाँ, है हाँ, पक्का। बिल्कुल सही जवाब है। अब जो है आपको वापस से इसमें से एक कार्ड निकालना है, कोई एक कार्ड निकाले। अब आप देखिए क्या निकाला आपने, स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में आपको खेल जो है, खेल में जो है आपको प्रश्न होगा, दूसरे नंबर बॉल में से आपको एक क्वेश्चन निकालना है, हाथ डालें और एक कोई प्रश्न निकाल के हमको दें। और क्वेश्चन जो आयल बाबू बाकी, टेस्ट मैच में शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है, मोहिंदर अमरनाथ, लाला अमरनाथ, सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री। समय शुरू होता है अब। सचिन तेंदुलकर कह रहा बाड़ी और ये जवाब गलत बा। देखिए जवाब का बा, लाला अमरनाथ। पहला सेंचुरी उलगे ले रहे जी, ठीक ना, एक जवाब सही एक जवाब गलत। धन्यवाद। के कितना पानी में, अगला कंटेस्टेंट बाड़ी ठुमरी भौजी, प्लीज आई यहाँ जवाब दे जवाब जी, ठीक ना। हाँ जी। तो में से कोनो एको कार्ड सिलेक्ट करी, देखी का लिखल बा, खेल आई बा, खेल दूसरा नंबर बाउल में खेला बा, खेला से संबंधित सवाल बा। देखो निकाली प्रश्न, हरियर सेलेक्ट करनी है रहुआ, हरियर सेलेक्ट कर लिए, ठीक ना सुफा जी, जीजा जी। तो सुशील कुमार
किस खेल के लिए मशहूर हैं? क्रिकेट, रेसलिंग, कुश्ती या रेसिंग? कुश्ती। कुश्ती खेले ले? पक्का? देख ले बनी रहा कुश्ती खेलते? जी। राव सामने खेले ले? जी। सही जवाब बा। बिल्कुल सही जवाब बा। लाइव एक और मौका बा जहां और एक दस अंक वो बना सकता नहीं, ठीक ना? तो एक बार फिर से मैं से एक कार्ड निकाली, देखिए फिर अगल बा खेल, फिर से रुआ दो नंबर में हाथ डाले के बा और एक प्रश्न निकाले के बा जे में क्वेश्चन हुई आपकी लाल आई। 2011 के वर्ल्ड कप में, क्रिकेट के वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज के बनल रहे? सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, गौतम गंभीर आ कि महेंद्र सिंह धोनी? युवराज सिंह बनल उ रहले आ कूद ही रहल बड़ी। बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दोनों जवाब बिल्कुल बहुत बढ़िया देनी है, धन्यवाद। के कितना पानी में बड़ा अहम बात, दू गो सही जवाब देते ही नंबर बहुत आगे बहुत तेजी से बढ़ सकता। तो चैती भौजी मौका अब रहुआ मिल रहा बा, बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत करी कावेरी भौजी के। तो अब एक कार्ड रहुआ भी निकाली, देखी का लिखल बा में, होम साइंस घरेलू सवाल हुई, ठीक ना? चौथा नंबर बॉल में उबर क्वेश्चन रखल बा, प्रश्न रखल बा, सवाल निकाली में से देखल जाओ का पड़ता रहुआ। हरियर निकलनी है। किसी प्रकार के काटने या छिलने पर सेप्टिक होने से बचाने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाना चाहिए? कट फटना जला तो इंजेक्शन लगेला, तो कौन इंजेक्शन लगावल जला? दर्द निवारक इंजेक्शन, घाव सुखावे वाला इंजेक्शन, टिटनस के इंजेक्शन आ के में से कोई ना? समय शुरू होता अब। दर्द वाला। दर्द वाला, बहुत माफी चाहे मैं गलत जवाब बा। टिटनस इंजेक्शन देवल जाला है ना, टिटनस के, तो ये जवाब गलत भइल। ये रख रहल बानी हम, एक और मौका बा, ठीक बा, सोच समझ के जवाब दें। चलिए अब आ गेल बा खेल, खेल बा दो नंबर में, तो दो नंबर में से एगो क्वेश्चन निकाली। दादा रे दादा। जी फ्री थ्रो कौन खेल में होखेला? बास्केटबॉल में, फुटबॉल में, हॉकी में या कि क्रिकेट में? फ्री थ्रो मतलब कि छुट्टा फेंकी कौन खेल में होखेला? बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट? 30 सेकंड के समय शुरू होता अब। फुटबॉल। फुटबॉल में फ्री थ्रो होखेला भौजी कह रहल बड़ी और ये जवाब गलत बा। बास्केटबॉल। तो दोनों जवाब गलत हो गए, अफसोस, कोई नंबर ना मिली। बहुत बहुत तालियां, धन्यवाद। और अब आखिरी कंटेस्टेंट बाड़ी रीना जी के, कितना पानी में देखल जाओ, ये पानी में रहियन कि पानी से छलांग लगा के बाहर निकल जाइयन, स्वागत बा। तो ये हमने फेंट दिया है आपके लिए, फेटा फेटी के बाद अब रघुआ में से वो कार्ड निकाल लेगा बा, निकाल ले बाड़ी, वो में लिखल बा राजनीति, और राजनीति के बॉल कौन बा? फर्स्ट वाला। एक नंबर, एक नंबर में से निकाल जाओ सर। पीला निकल ले बड़ी, पीला निकल ले बड़ी राजकुमार जी। निम्न में से भारतीय संविधान किसका सर्वाधिक ऋणी है? कनाडा का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान या 1935 का भारतीय अधिनियम? 30 सेकंड के समय शुरू हो रहा बा अब। 1935 का भारतीय अधिनियम। जी पक्का? जी सर बिल्कुल। बिल्कुल सही जवाब। तो 10 नंबर मिलल, अभी एक और मौका बा, निकाली देगो कार्ड, देखल जाओ का पड़ता। बहुत ध्यान बा और राजनीति में, पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स में से एक और सवाल निकाल जाओ सर। लोकतंत्र के लिए प्रमुख बाधा क्या है? गरीबी, निरक्षरता, भ्रष्टाचार या नौकरशाही?
भ्रष्टाचार। पक्का? 30 सेकंड का समय स्टार्ट भी ना रहे तले उठा बोल देनी है और बिल्कुल सही जवाब। के कितना पानी मेरे वो पानी में निकल गई, पूरा नंबर लेके बाहर निकल गई बानी। बहुत बहुत बधाई बा, धन्यवाद बा। आज भौजी ऑफ द वीक सेलेक्ट होके वाला बाड़ी, बल्कि सेलेक्ट हो गई बाड़ी। रिजल्ट हमारे हाथ में बा, स्कोर बोर्ड बन के तैयार बा। लेकिन बिहान के एपिसोड में काबिल रहे कि सब जज लोगों की इच्छा रहे कि बिहान के स्कोर बतावल ना गेल रहे, ताकि आज ये लोग और दमखम लगा के स्कोर से बिना डरे बिना झिझके खेले लोग खेलक हलो। लेकिन वो स्कोर आज जोड़े के बाद तो अपन खजाना में से हम स्कोर बोर्ड निकाल रहल बानी। मलिका आलिया, आप वहां खाली बैठे ना रहें, आए यहां। तो ये नंबर कल के हम आज जोड़ देते हैं और अब जोड़ने के बाद कुल अंक तैयार है हमारे पास। पहले मैं चाहूंगा कि आप सब महल में हमारे साथ बीच में आकर खड़ी हो जाएं। स्कोर बोर्ड तैयार बा, सब लोगों के बहुत मेहनत बा, बहुत मेहनत के बाद रिजल्ट रउवा लोगन के सुनाया जा रहल बानी। दिल थाम के रिजल्ट के सुनी और सबसे पहले हम बताएं पूर्वी भौजी राधा मौर्या भौजी के नंबर। राधा भौजी एक एपिसोड, दूसर एपिसोड, तीसर एपिसोड और आज के एपिसोड मिलाकर टोटल अंक भैलवा 150। कजरी भौजी एक से लेके चार आज तक के एपिसोड में टोटल जे अंक रहुआ मिलल बा 50, 35, 45 और 35, यानी कि कुल 165 अंक। यानी कि राधा जी के 150 और श्वेता जी के 165। श्वेता जी लाग रहल बा 165 अंक के साथ रहुआ बाजी मार सकत नहीं। प्रिया जी का चल रहल बा मन में? बस टिकट कटवाना है घर के लिए जी। टिकट कटवाना है घर के लिए। सोमा भौजी, चैती भौजी, पहला एपिसोड से चौथा एपिसोड तक 50 अंक, 50 अंक, 65 अंक और 25 अंक, यानी कुल स्कोर 185 अंक। यानी कि ये तो क्लियर हो गई राधा जी कि रउआ से आगे और श्वेता जी रउआ से आगे बाड़ी सोमा जी। प्रिया चौहान ठुमरी भौजी, पहला एपिसोड से चौथा एपिसोड में रउआ टोटल जे अंक मिलल बा 60, 55, 35, 30, कुल स्कोर 180। यानी कि भौजी ऑफ द वीक बनल बाड़ी सोमा जी। सोमा मिश्रा जी बनारस से 185 अंक, 5 अंक के फासला रहे सिर्फ, वरना प्रिया जी के भी मौका रहे। लेकिन रुआ बाजी मार ले ले बानी, बेहद खुश, मुस्कुराता हुआ चेहरा। मुस्कुराते हुए चेहरे से क्या निकलने वाला है शब्दों में हम सुनना चाहेंगे, तनी बताई। जब से आए हैं 3 दिन तो हम लोगों को जो यहाँ जो सर लोग जो सिखाते हैं और यहाँ का जो व्यवस्था जो मैनेजमेंट है उसके लिए हम बहुत थैंक यू। और ये प्लेटफॉर्म जो हम हमेशा, मेरा बचपन से शौक था, डांस तो हम सिखाते थे लेकिन कभी स्क्रीन में आने का हमको मौका नहीं मिला था। लेकिन ये जो महुआ प्लस चैलेंज हमको जो प्लेटफॉर्म दिया इसके लिए उनको बहुत दिल से, एकदम बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। उनके लिए बहुत खुश हैं हम। आज टीवी में मेरे भी पति, मेरे बच्चे को बहुत आशा था जब मम्मी हमको हम लोग टीवी में देखे। क्या बात, बहुत सारी तालियां हो गए चाहिए सोमा जिला, सोमा मिश्रा जिला।
और बाकी तीन भौजियन के हम बता दी रवा लोइन के वाइल्ड कार्ड एंट्री के द्वारा एक और मौका मिल सका था। यही वजह से रवा लोइन के भी उदास होकर की जरूरत बिल्कुल नहीं थे और हम चाहें कि मौका पे अब सोमा जी के जल्द से जल्द उस ताज उस सम्मान दवल जाओ। जिले सुभानी हम चाहेंगे कि मलिकाए आलिया खुद अपने हाथों से सोमा जी को यह सम्मान दें। बहुत सारी तालियां। भौजी ऑफ द वीक सोमा मिश्रा जी। वाह। और अब हम चाहें राजकुमार भैया, संगीता जी और गोपाल भैया तीनों मंच पे आ जाएं और तीनों भौजियों को, प्रिया जी को, श्वेता जी को और राधा जी को एक यादगार सर्टिफिकेट भौजी नंबर वन सीजन 7 का अपने हाथों से दें। तो आज जिले सुभानी यहां से रउआ लोगिन से इजाजत चाहें। रउआ लोगिन खुश रही, खुशहाल रही। एक बार फिर रउआ लोगिन से मुलाकात हुई अगला हफ्ता 4 नई भोजन के साथ, नए उद्यम के साथ, नए मौज मस्ती के साथ। तब तक अपन ख्याल रखी, प्रियेश सिन्हा के सलाम कबूल करते हुए जाए और सेहतमंद रही। फिर मुलाकात हुई भोजन नंबर वन सीजन 7 में अगला वीक। भौजी नंबर वन। शादी ब्याह में मिठाई के डब्बा फेंका जाला, फेंकला के बाद 2 दिन के बाद जब नजर पड़ेला तो मिठाई के डब्बा एंगे लोकेला।